लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद से ही आमिर खान ब्रेक पर है। उन्होंने फिलहाल एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है, वो कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं। एक्टर इन दिनों अपने परिवार को खास टाइम दे रहे हैं, जो फिल्मों की शूटिंग के दौरान दे नहीं पाते। आमिर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने वाली फिल्में दी हैं। इसी बीच आमिर खान से जुड़ी एक खबर काफी वायरल हो रही है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान रोते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, वो इस कदर इमोशनल हो गए थे कि इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आमिर खान इस कदर इमोशनल हो गए, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि हाल ही में आमिर ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान एक्टर ने कई सवालों के जवाब दिए, कई मुद्दों पर बात की, लेकिन इसी दौरान एक्टर अपने पिता पर बात कर भावुक हो गए। दरअसल इंटरव्यू के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब आमिर खान अपने पिता की बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि हमारे जीवन में एक दौर ऐसा था जो बहुत बुरा गया था, करीब 8 साल। आमिर ने इस दौरान कहा कि मेरे पिता एक फिल्म बना रहे थे लॉकेट, जिसमें कई बड़े स्टार्स थे। वो फिल्म डेट्स में अटक गई और उस वक्त एक्टर्स एक साथ 30 से 40 फिल्में करते थे, और उस वक्त अगर आप बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं हैं तो स्टार्स से कम इज्जत मिलती थी। उस फिल्म को बनने में 8 साल लगे और उन्होंने ब्याज पर बहुत पैसा उठाया था। हम करीब करीब सड़क पर आ गए थे, मैं करीब 10 साल का था। इतना कहते हुए आमिर भावुक हो जाते हैं और पानी पीकर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आंसू नहीं रुकते और वो इंटरव्यू से उठकर चल देते हैं। अब्बू जान को देखकर तकलीफ होती थी। हालांकि आमिर वापस आते हैं और कहते हैं, मैं बहुत जल्दी रोता हूँ, अब्बू जान को देखकर बहुत तकलीफ होती थी। वो बहुत सिंपल इंसान थे, उन्हें बिजनेस नहीं आता था। उस वक्त ऐसा सिस्टम था कि कई बार फिल्म चल गई लेकिन पैसा नहीं मिल पाया। उनकी नीयत इतनी साफ थी कि वो सभी का पैसा लौटाते थे। सबको लगता था कि हमारा परिवार एक बेहतरीन जीवन जी रहा है, लेकिन मेरे पिता द्वारा किए गए कुछ प्रोजेक्ट्स के परिणाम अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारा परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। और इन सबको देख उन्हें काफी परेशानी होती थी, क्योंकि मेरे पिता बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और उन्हें इतनी समझ नहीं थी कि ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए। आमिर खान ने आगे कहा कि मुझे अपने पिता को परेशानी में देखकर काफी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जिन लोगों के पैसे थे उनके फोन घर पर आते थे और कई बार तो उनका झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन मेरे पिता कहते थे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फिल्म अटकी हुई है, मेरे एक्टर्स को बोलिए कि मुझे वो तारीखें दे। आपको बता दें कि आमिर खान ने अपने पिता की हालत को देखते हुए इंडस्ट्री में आने का फैसला किया और साल 1999 में अपना प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस लॉन्च किया और लगान, तारे जमीन पर, डेली बेली और दंगल जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। हालांकि वो आज भी अपने पिता के इस दर्द को नहीं भूल पाए। हाल ही में आमिर खान ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट चैंपियन का ऐलान किया था, जिसमें वो एक एक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करेंगे। बताते चले कि आमिर खान को आखिरी बार अगस्त में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा में देखा गया था। अद्वैत चंदन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। उनकी इस फिल्म का सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध हुआ था, जिसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।